इस बार थोड़ा स्ट्रांगली। बारह तो बज गया, अभी तक नहीं आया। हम तो उसका तमाशे का इंतजार कर रहे थे। अरे कुछ नहीं जीजा जी, देखिए ना, विक्रम राठौर अभी तक नहीं आया, 12 बजे बोला था। जो बोलता है वो करता नहीं, अगर वो करने वाला होता बोलता नहीं। सही है। हेलो कुत्ते। जी जी, आपका फोन। राठौड़। अरे बच्चो, इतना घबरा गया कि फोन पर बतिया रहा है। हम तो त्योहार क्रिया कर्म करने के लिए इधर गोदाम में इंतजार कर रहे थे। मैं तेरे गोदाम पर ही आ रहा था, लेकिन क्या करें, रास्ते में तेरे दारू की फैक्ट्री जो आ गई। अब दारू तो मैं पब्लिक में बांट नहीं सकते ना, मैंने सोचा तेरी फैक्ट्री का क्रियाक्रम ही करते, उड़ा दिया तेरी फैक्ट्री को बॉम्ब से। हम तो छोड़ गए नहीं। गाड़ी निकालो, चलो। ये करता पहले, बोलता बाद में। आपका फोन। भरे हुए अनाज के गोदाम की रखवाली छोड़कर तू वहाँ जली हुई दारू की फैक्ट्री पर क्या कर रहा है बे? चलो अच्छा हुआ तेरे आदमी मेरी धुलाई से बच गए। हमारे गोदाम पे हाथ रखा तो हाथ काट दूंगा। हाथ तो पब्लिक साफ कर रही है तेरे अनाज पर। अगर तू एक एक बाप की औरत है तो वहाँ से जाना मत, हमारा हूँ। अरे ईका कह दिया जीजा जी, अब तो वो वही रुकेगा। हम जो ऐसे दर्द होगा। राम राम बाप जी। इधर इधर। एक बाप की औलाद, अब कल दोपहर 12 बजे तू साबित कर के तू कितने बाप की औलाद है। कहा होने वाला कल बोलिए तो, कहा होने वाला कल? अरे कहा होने वाला कल बोलिए ना। कल 12 बजे सड़क के चौराहे पर तेरे जीजू के 13 बजने वाले हैं। तेरे जीजू को पब्लिक से पिटवाने का प्रोग्राम बनाया मैंने। अच्छा, यहाँ से तू बच के जाएगा कैसा रे बुड़बान? अभी दिखाता हूँ। देख रहे हो, जब तक मना जाए मारो साले को। अकल के अंधो, मैं भागा कूदा लेटा, कुछ तो प्लान बनाया होगा मैंने। साले गेंडे जैसी शक्ल है और गेंडे जैसी अकल है। तेरे को मैंने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म दिखाया, कल 12 बजे कलर फिल्म दिखाऊंगा। सुन बे लपड़ झंडस, तेरे को जब गुस्सा आता है तो चिल्लाता है, मैं उड़ाता हूं।